को अपना लिया था और दोनों बार देखा गड़बड़ किया। अब हम लोग कभी धर्म नहीं, जो हम लोगों का जो है आत्मा है आप उसी को कायम रहेगा सब दिन के लिए। इसलिए अब किसी तरह का भय डाय नहीं, हर तरह से होगा और आप ध्यान दीजिए सब तरह का विकास होगा। तो सुना आपने नीतीश कुमार ने क्या कहा। कई मौकों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बात दोहरा चुके हैं कि वो एनडीए का साथ भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे। और एक बार फिर नीतीश कुमार ने ये बातें एक कार्यक्रम के दौरान कटिहार में कही हैं। और दोनों बार देखा गड़बड़ किया, अब हम लोग कभी धर्म नहीं, जो हम लोगों का जो है इसलिए अब किसी तरह का भय डाय नहीं, हर तरह से होगा और आप ध्यान दीजिए सब तरह का विकास होगा। दरअसल बार बार ये बातें उठ रही हैं कि बिहार में एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का मन बना रहे हैं, लेकिन अब मंच पर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सब कुछ साफ साफ और खोल कर बता दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो बार गलती से हम लोग उधर चले गए, लेकिन अब ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। हम लोग पूरी मजबूती के साथ एकजुट रहकर बिहार की तरक्की और जनता की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। एक बार और सुनिए कटिहार में नीतीश कुमार ने क्या कहा। अपना लिया था और दोनों बार देखा गड़बड़ किया, अब हम लोग कभी धर्म नहीं, जो हम लोगों का जो है आत्मा है आप उसी को कायम रहेगा सब दिन के लिए। इसलिए अब किसी तरह का भय डाय नहीं, हर तरह से होगा और आप ध्यान दीजिए सब तरह का विकास होगा। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर यानी बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार पहुंचे थे, जहां वो बरारी प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत स्थित भगवती मंदिर इंटर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 405 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से अलग अलग विभागों के 183 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास रिमोट के माध्यम से शिलापट का अनावरण किया। इनमें 107 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से 52 योजनाओं का उद्घाटन और 297 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से 131 योजनाओं का शिलान्यास कार्य शामिल है। योजनाओं के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 400 करोड़ रुपए से अधिक कुल 183 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। हम अनेक बार कटिहार जिले में जगह जगह जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और उसका तत्काल निदान करने की दिशा में काम करने हेतु अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। 6 दिसंबर 2022 को मनिहारी अनुमंडल के देवड़ा घाट को गंगा नदी के कटाव से हुए नुकसान को हम देखने आए थे। 5 जनवरी 2023 को समाधान यात्रा के क्रम में मैं यहां आकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुआ था। उस समय तक कोसी और गंगा नदी के कटाव से विस्थापित हुए परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने हेतु जमीन चिन्हित नहीं की गई थी, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से विस्थापित और भूमिहीन गरीब परिवारों को आवासीय भूमि का बंदोबस्ती का पर्चा प्रदान कर मुझे बेहद सुखद अनुभूति हो रही है। इस मौके पर जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण सह बिहार जिला के प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, विधायक तारकिशोर प्रसाद और विधायक विजय सिंह भी मौजूद थे। तो इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन सभी अटकलों पर जवाब दिया कि क्या एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि दो बार गलती से उधर चले गए, लेकिन अब ये गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे। हम लोग पूरी मजबूती के साथ एकजुट रहकर बिहार की तरक्की और जनता की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। एक और बार सुन लीजिए नीतीश कुमार ने कटिहार में क्या कहा। अब हम लोग कभी धर्म नहीं, जो हम लोगों का जो है आत्मा है आप उसी को कायम रहेगा सब दिन के लिए। इसलिए अब किसी तरह का भय डाय नहीं, हर तरह से होगा और आप ध्यान दीजिए सब तरह का विकास होगा। आप सब अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।